नमस्ते दोस्तों, दिस इज पीवीजे, लेके आया हूं और एक अमेजिंग वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे ओला S1 जो फिर से लॉन्च हुआ 15 अगस्त 2022 को, और उसी दिन बेनेलिंग ने उनका बिलीव नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। तो इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कैसे है ये दो स्कूटर्स, आपने इसमें से कौन सा खरीदना चाहिए, इसका मोटर, बैटरी, रेंज सब हम टेस्ट करेंगे, सब हम चेक करेंगे, सब आपको मैं डाटा दिखाऊंगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चैनल पर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, तो दिस इज पीवीजे, लेके आ गया हूं अमेजिंग वीडियो, और आपके सामने आपको अभी दिख रहा है यहां पे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो दोनों 15 अगस्त 2022 को लॉन्च हुई। 15/8/2022 अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इट इज इंडिपेंडेंस डे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं भी आपका दोस्त हूं, इंडियन हूं, आपको सबको आगे लेके जाना है, आपकी तरफ मैं नॉलेज पहुंचा रहा हूं, तो हम सब मिलके एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ओला S1 ये लॉन्च हुआ है फिर से 15 अगस्त को, और बेनेलिंग ने नया स्कूटर लॉन्च किया जिसका नाम है बिलीव। हाँ, विश्वास रखो, ऐसा बेनेलिंग का मानना है, बोलना है। तो गाइस, आप अच्छी स्कूटर दो, हम विश्वास रखेंगे। तो यहां पे हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे बैटरी के साथ। गाइस, बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंपैरिजन पॉइंट जो ओला है उसमें एनएमसी बैटरी केमिस्ट्री है, और जो बेनेलिंग का बिलीव है उसमें एलएफपी बैटरी केमिस्ट्री है। अभी एनएमसी क्या है, एलएफपी क्या है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। एलएफपी जो है उसका थर्मल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, एनएमसी का साइज थोड़ा कम होता है, वेट थोड़ा कम होता है, जैसे उसके वजह से जो परफॉर्मेंस स्कूटर्स है उनको परफॉर्मेंस देना है बट स्पेस कम है, तो वैसे एथर है, सिंपल वन है, ओला है, इनको कम स्पेस में कम वेट में परफॉर्मेंस स्कूटर बनाना है, इसलिए वो एनएमसी के साथ जा रहे हैं। जिनको स्पेस की परवाह नहीं, सेफ्टी की ज्यादा परवाह है, वो एलएफपी के साथ जा रहे हैं। टीवीएस जा रहा है, हीरो जा रहा है, बेनेलिंग का जो बिलीव है उसमें भी एलएफपी है, जो टेस्ला मोटर्स है उसमें एलएफपी है, टाटा के जो फोर व्हीलर है इलेक्ट्रिक उसमें एलएफपी है, महिंद्रा के जो 5 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर आने वाला है 2026 तक वो भी एलएफपी केमिस्ट्री पे है। तो यहां पे मैंने पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बोल दिया, एलएफपी केमिस्ट्री के साथ बिलीव आ रहा है बेनेलिंग बिलीव, और ओला S1 एनएमसी केमिस्ट्री के साथ आ रहा है। अगर बैटरी की बात करें तो यहां पे 3 kWh का बैटरी पैक आपको ओला S1 में मिल जाएगा, और बेनेलिंग बिलीव में आपको 3.2 kWh का बैटरी पैक मिल जाएगा। मतलब लगभग सेम कैपेसिटी का बैटरी पैक है, सिर्फ उनके केमिस्ट्री में फर्क है। अभी बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर दे, अरे उसमें लिथियम आयन है, एनएमसी नहीं है। भाई तेरे लिए बोल रहा हूं, एनएमसी एंड एलएफपी ये लिथियम आयन के टाइप्स माने जाते हैं। कोई कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर खाली लिथियम आयन लिखता है, बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एनएमसी भी नहीं है, एलएफपी भी नहीं है। भाई लिथियम आयन के सब टाइप्स है, एनएमसी एलएफपी ये जान लो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती रहे। क्या हो जाता है, आप वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता नहीं रहता कौन सी केमिस्ट्री है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अवेयरनेस है, नया प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, वो क्या बेच रहे उसकी भी जानकारी नहीं है। तो ये जान लो कि एलएफपी एनएमसी लिथियम आयन के ही टाइप्स है। ओके, तो आगे जाते हैं, मोटर के बारे में बात करते हैं। अभी यहां पे बहुत बड़ा फर्क है, यहां पे ओला बेनेलिंग ब्लू को पीछे डाल देता है, क्योंकि ओला में जो है वो बेल ड्रिवन आईपीएमएम मोटर है। आईपीएमएम मोटर ये एसी मोटर है, ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है, और बेनेलिंग की जो बिलीव है उसमें बीएलडीसी मोटर है जो पहिए में बैठती है, बीएलडीसी हम मोटर। ओला S1 प्रो जो है वो कंप्लीटली IP67 रेटेड है। बेनेलिंग का बिलीव जो है उन्होंने बोला है IP67, बट आई एम डाउटफुल कि वो एक्चुअली है क्या, सॉरी मतलब मैं ऐसा अविश्वास नहीं करना चाहिए मैंने, बट बीएलडीसी हब मोटर वेरी रेयरली IP67 हो सकती है। वैसे टीवीएस ने भी बोला IP67 तो हो सकता है। ओके, अभी बात करें कैपेसिटी की, तो 8.5 kW पीक पावर वाला मोटर है ओला S1 में, और 3.2 kW पीक पावर वाला मोटर है बेनेलिंग के बिलीव में। तो यहां पे तो छक्के छुड़ा दिए बेनेलिंग बिलीव के ओला S1 ने। अभी ये तो मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है, अगर आप कॉस्ट देते हो दोनों की कॉस्ट लगभग 1 लाख के करीब है, एक शोरूम प्राइस दोनों की 1 लाख के करीब है, दोनों की बैटरी कैपेसिटी लगभग सेम है। गाइस कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो प्राइस पॉइंट अगर आपका सेम है तो उस प्राइस पॉइंट में कौन कौन सी स्कूटर अवेलेबल है नई लॉन्च हुई, वो ओला S1 है या बेनेलिंग बिलीव है। तो रेंज की बात करें तो यहां पे जो रेंज दिया गया है
ये है कौन सा रेंज, कंपनी क्लेम्ड रेंज मैंने यहां पे डाला है, एक्चुअल रेंज नहीं है, कंपनी क्लेम्ड रेंज 141 किलोमीटर है ओला S1 का और बेनेलिन के बिलियो का 120 किलोमीटर है, तो रेंज में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर टॉप स्पीड की बात करें, अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 95 kmph का टॉप स्पीड आपको मिल जाएगा ओला S1 प्रो में, 75 kmph का टॉप स्पीड बेनेलिन के बिलियो में मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 टू 40 ओला खाली 3.8 सेकंड्स में अचीव करेगा, बेनेलिन का बिलियो 0 टू 40 अचीव करने के लिए 5.5 सेकंड्स लेगा। गाइस मोटर का डिफरेंस है, यहां पे अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, ओला S1 की मोटर पिक पावर 8.5 किलोवाट है, उसकी बैटरी अगर आप देखो तो वो कम कैपेसिटी के है, 3 किलोवाट आवर की है, फिर भी उसकी रेंज ज्यादा है। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर वो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो तो आपके गाड़ी का परफॉर्मेंस, आपके गाड़ी की रेंज आप बढ़ा सकते हो। इसलिए ओला ने पहले जो रेंज दिया था वो 135 किलोमीटर का दिया था ओला S1 प्रो को, बट अभी वो 170 का दिया है सेम बैटरी के साथ, क्योंकि उनका BMS जो है वो ऑप्टिमाइज हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने बहुत गाली दी ओला को, क्योंकि अभी भी मैं ओला से असहमत हूं, फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन इंडियन रोड कंडीशंस के लिए सुटेबल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, बात करूं मैं आपको कि इटरगो नाम का डच ब्रांड उधर से उठाया और यहां पे उन्होंने लॉन्च किया, तो इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में सोचा नहीं, इसलिए इनिशियल फेज में ओला को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े, किसकी ओला जली, किसकी ओला त्रुटी, किसकी ओला के सर्विस प्रॉपर नहीं हो रही, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओला लाइन पे आ रहा है, क्योंकि उनके BMS को डाटा मिला, BMS अभी ऑप्टिमाइज हो रहा है, इसलिए रेंज भी बढ़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, लाइक ठोक दो। ओके, ग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी आपको ओला S1 में मिल जाएगी और बेनेलिन के बिलियो में 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिल जाएगी, तो बेनेलिन बिलियो क्लाइंबिंग और इजीली और अच्छी तरीके से कर पाएगा एज कंपेयर टू ओला। और बात करें हम कर्व वेट की, तो यहां पे कर्व वेट मैंने अप्रोक्सीमेटली डाला है बेनेलिन के बिलियो का 115 किलोग्राम, जो ओला S1 है उसका कर्व वेट है करीबन 121 किलोग्राम। तो ये आप जान लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्व वेट जो है वो स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। ओला S1 प्रो जो है उसका जो बैटरी है वो आप जहां पे पैर जहां पे रखते हो, ओके, मतलब जो राइडर है वो जहां पे पैर रखता है वहां पे उसका बैटरी है, नीचे है, मतलब वो रास्ते के करीब बैटरी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रोड के करीब है, इसलिए ज्यादा स्टेबल व्हीकल आपको मिलेगा। एथर की भी वही बात है, जो बेनेलिन का बिलीव है, आई थिंक उसके बूट स्पेस में बैटरी है, शायद उसको बूट स्पेस, इसी के लिए यहाँ पे बूट स्पेस का डाटा मुझे मिला नहीं, अभी अभी लॉन्च हुआ है स्कूटर, बट 36 लीटर का बूट स्पेस आपको ओला S1 में मिल जाएगा। प्राइस का मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ओला S1 100,000 एक शोरूम प्राइस है और बेनेलिन बिलीव 97,520 एक शोरूम प्राइस है। अगर आप मुझे पूछो तो मैं सेफ्टी के साथ जाऊंगा, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओला के लुक्स मुझे पसंद नहीं है, पर्सनल ओपिनियन ना, वो मैं ओला को खराब नहीं बोला, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो लुक। अगर आप बैटरी केमिस्ट्री की बात करो तो बेनेलिन बिलीव LFP केमिस्ट्री ज्यादा सेफर है। ओके, तो ये हो गया गाइस डिटेल कंपैरिजन वीडियो, 15 अगस्त को दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुई, ओला का S1 और बेनेलिन का बिलीव। आई होप यू बिलीव इन मी एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, PVJ_तस्वीर वाला मेरा हैंडल है, तो प्लीज उसको लाइक कर देना, उसके ऊपर फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे जाके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।